जय जय दुर्गतिनाशिनी कामिनी सर्वफल प्रद शास्त्रमये रथ गज तुरग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजलक्ष्मी रूपेणा पालय मां गजलक्ष्मी रूपेणा पालय मां। ओम महालक्ष्मी नमः। आज तिरुशुकनूर में विराजमान श्री पद्मावती देवी गज वाहन पर आसीन होकर तिरुशुकनूर की माड़ा वीथियों में शोभा यात्रा के लिए निकली हुई हैं। श्रद्धोत्सव, निमित्तोत्सव, कालोत्सव, इनमें कालोत्सव से संबंधित निर्णीत कालानुसार किए जाने वाले उत्सवों में ब्रह्मोत्सव भी एक है। अद्भुत है, अचिंत्य है, नित्य है, लावण्य जलधि गुणातीत पद्मावती जो है श्री वेंकटेश्वर कलयुग के प्रत्यक्ष देवता वेंकटेश्वर जी की अर्थांगिनी है, अन्नपायिनी कही जाती है पद्मावती देवी, जो महालक्ष्मी के अवतार के रूप में यहाँ प्रत्यक्ष हुई है। पद्मावती तायार आदिलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, धैर्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतानलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, इन सभी रूपों में महालक्ष्मी की उपासना की जाती है। आज महालक्ष्मी के अत्यंत प्रिय वाहन गज वाहन पर आसीन होकर पद्मावती तायार शोभा यात्रा के लिए निकली हुई हैं। यावत् यावत् भावत् कविक्षात् अनुभृताम् इंद्रे मंदिरेषु व्यक्तं नृत्तं विधत्ते धनपति विभवादुत्तरा वित्तराजिः द्वारे तारेश गौरा तुरग परिभृता बंधुरा सिंधुरा वा गर्वात् घश्यन्ता खर्वाभ्युदय मधिमुखं राजते राजतेजः। लक्ष्मी सहस्र नामक रचना में श्री वेंकटाध्वरी गज वाहन पर स्थित श्री महालक्ष्मी का वर्णन इस तरह करते हैं। हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हारी कृपा जिन पर बरसती है उनके घरों में कुबेर की संपदा वैभव से भी अधिक संपदा वैभव आ जाते हैं। उस घर के मुख्य द्वार प्रधान द्वार पर श्रेष्ठ जाति के अश्व तथा सुंदर सजाए गए गजराज आदि रहते हैं, घिंकार करते रहते हैं। उसके मुंह पर महाराज का तेज सदा रहता है, सदा तेजोमय रहता है उसका बदन। माँ तेरी कृपा से ये सब हो रहा है, मुझे मालूम है। हे माँ, तुम्हारी कृपा लेश मात्र से ही वह व्यक्ति दानशूर तथा गजांत ऐश्वर्य का अधिकारी हो जाता है। वेंकटाध्वरी विरचित गज वाहन वर्णन है ये लक्ष्मी सहस्रम में। लक्ष्मी अष्टोत्तर में माँ को विविध नामों से पुकारा जा रहा है। सुरभ्यै नमः, पद्मालयाय नमः, पद्मायै नमः, स्वधायै नमः, सुधायै नमः, नित्यपुष्टायै नमः, कामतायै नमः, लोकशोक विनाशिन्यै नमः, पद्ममुखाय नमः, पद्मनाभप्रियाय नमः। इन सभी 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 वर्णनों में माँ की करुणा ही झलक रही है। ये तो सुधा देने वाली है सब लोगों को, पद्मालया है, खासकर माँ को पद्म या कमल में आसीन मुद्रा में
पद्मावती की उपासना करने वाले बहुत सारे लोगों का अनुभव ये है कि पद्मावती के रूप में जब माँ का दर्शन हम मनोमंदिर में कर लेते हैं तो पद्मावती जी के साथ श्री वेंकटेश्वर जी का दर्शन भी हो जाता है मनोमंदिरों में, क्योंकि माँ अनपायिनी है। माँ जहाँ रहती है वहाँ पर भगवान भी अपने आप आ जाते हैं। इसलिए भक्तों के हृदय जब लक्ष्मी की उपासना में तर जाते हैं तो वेंकटेश्वर सहित दोनों के दर्शन उनके मनोनेत्र उसी क्षण कर सकते हैं। इसीलिए आज गज वाहन के रूप में प्रत्येकतया माँ को गज जो है गज वाहन जो है माँ के साथ क्षीर सागर में उद्भवित हुए थे, इसलिए माँ को गजराज बहुत प्रिय है।
पद्मावती तायर जी के ब्रह्मोत्सवों में आज पद्मावती तायर गज वाहन पर आसीन होकर शोभा यात्रा के लिए निकली हुई हैं। श्रीमत् सौभाग्य जननीम स्तौमि लक्ष्मीम सनातनीम सर्वकाम फलावाप्ति साधनैक सुखावहम पद्मालयाम पद्मकराम पद्मपत्र निभीक्षणाम वंदे पद्ममुखीम देवीम पद्मनाभ प्रियामहम। पद्मनाभ जो हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के अत्यंत प्रिय पटरानी पद्मावती जी के ब्रह्मोत्सवों के वैभव को देखने के लिए बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग आ गए हैं। उनकी कृपा कटाक्ष के की वर्षा में भीगने के लिए देखिए बहुत दूर दूर से जो जो कलाकार आए हुए हैं, लोक कलाकार जो आए हुए हैं, सब लोगों की आतुरता मनों में यही है कि उनकी कला पर माँ की एक नज़र पड़ जाए तो उनके वैभव खुल जाएंगे। इसलिए सब लोग तत्पर हैं माँ की करुणा के लिए। लेकिन यहाँ देखने की बात ये है कि माँ की करुणा जैसे ही उनके वर्षा के समान उन पर बरसती है, उसी तरह अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जी जो हैं तिरुमलई के शिखरों पर विराजमान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी की करुणा भी बरस जाती है उन पर, क्योंकि माता जी उनकी अनपायिनी है। उनके साथ साथ कई कई अवतार हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर के, उन सभी अवतारों में उनके साथ साथ चलने वाली अनपायिनी आज गजवाहन पर स्थित हैं माँ पद्मावती देवी। गजवाहन जो है मनस चंचलम अस्थिरम कहती है भगवद गीता में, चंचलम ही मनः कृष्णा, ये दोनों पत्थर ही भगवान की पद धूलि से नारी बन गए हैं। इसी चरण धूलि से मैं भी गजराज गज रूप को छोड़कर मानव बनूंगा सोचते हुए राम की चरण धूलि की खोज में गज सदा मिट्टी को अपने सिर पर डालते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं, उन धूलि कणों का निरीक्षण भी करते रहते हैं कि वे भी मानव जन्म में आ जाएं। इसलिए यहाँ गजराज जो है चंचल मन होने के बाद भी वे माँ की करुणा के लिए भी तत्पर हैं। इसलिए ये और एक बात गज वाहन के बारे में कहने लायक ये है कि ये गज जो हैं राजा महाराजाओं के ऐश्वर्य का सूचक गज वाहन पर आसीन होना होता है। इन ब्रह्मोत्सवों में छठे दिन रात को गज वाहन पर आसीन महालक्ष्मी जो है, गज उनके लिए अत्यंत प्रीति पात्र है क्योंकि गज और बहुत सारे जो हैं उनके साथ क्षीर सागर मथने की बेला में गजराज भी उनके साथ जन्मा था। इसलिए उनके साथ साथ जन्मे हुए सभीयों पर माँ को प्यार है। इसलिए माँ गजराज के ऊपर चढ़कर गजवाहन अपना कर माँ गजवाहन पर स्थित होकर ब्रह्मोत्सवों में निकलती रहती हैं। गजवाहन के रूप में हाथी का प्रयोग प्राचीन काल से ही देखा जा सकता है। प्राचीन काल के युद्धों में गजराज माने हाथी, तुरग, घोड़ा, इन वाहनों का उपयोग होता था और एक लोकोक्ति है तक्रांत भोजनम गजांतम ऐश्वर्यम, छाछ मट्टे के साथ भोजन का अंत होता है और हाथी संपन्नता का शिखर माना जाता है, ऐश्वर्य का सूचक है। धनी लोग अपने महलों के सामने शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक जो है राजा सिंहासन पर पहली बार जब बैठते हैं तो उन्हें
हाथी पर बिठाकर नगर की गलियों में शोभा यात्रा के लिए निकालते रहते हैं। इसीलिए गजारोहण जो है सम्मान की बात है, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए है। इसीलिए माँ भी गज पर ये राजस भाव के साथ राजस की कांतियों को बिखेरती हुई माँ आज शोभा यात्रा के लिए निकली हुई हैं। उनकी शोभा को देखने के लिए बहुत दूर दूर से बहुत लोग आ गए हैं और माँ का गुणगान करते करते अपनी कलाओं के साथ माँ के की दृष्टि को आकृष्ट करने के लिए सब लोग तत्पर हैं। माँ गजराज पर आसीन होकर जो आ गई हैं, जो गज जो है श्री वेंकटेश्वर जी के ब्रह्मोत्सवों में भी गज वाहन का उपयोग किया जाता है। गज जो है अनुपमान है और गजराज और महाविष्णु दोनों में श्री पद्मावते नमः। भक्तजनों, वार्षिक कार्तिक ब्रह्मोत्सव में पुनः आपका स्वागत करता हूँ कि श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की ओर से श्री पद्मावती माई के अत्यंत प्रिय वाहन सेवा आज गज वाहन सेवा को आप देख रहे हैं। ये मेरा ही जीवन जो धन्य हो रहा है, आपको माई के बारे में थोड़ा बहुत जो है परिचय दे रहा हूँ।
ये माई श्री पद्मावती माई श्री महालक्ष्मी के अवतारी रूप है। श्री महालक्ष्मी रूट कर वैकुंठ से धरती पर पधारी है, कोल्हापुर में बसी है। उस माई को पुनः प्राप्त करने के लिए श्री वेंकटेश्वर भगवान ने यहाँ पर स्वर्णमुखी नदी के तट पर पद्म सरोवर के पास 12 वर्ष कठोर तप किया था। उस तप से पुनः प्राप्त जो है श्री महालक्ष्मी की पद्म सरोवर से उद्भूत हुई है। उन्हीं के नाम पर यहाँ पर तिरुपति के नज़दीक 5 किलोमीटर दूरी पर तिरचानूर में श्री महालक्ष्मी का मंदिर बसा हुआ है। ये मंदिर इतना प्रचलित है कि यहाँ पर जो है अनेक ऋषि महर्षियों ने आश्रम बनाकर कि अपने तपो स्थान जो है इसे बनाया है। वो भक्तजनों आप देखिए, वो माई गज वाहन पर आरूढ़ होकर जो है आज जो है हमें पुण्य दर्शन दे रही है। गज गमन के लिए, गति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, शांति के लिए, बल के लिए, धैर्य के लिए प्रतीक है। आप ये भी जानते हैं कि क्षीरसागर मंथन के समय हाथी के रूप में ऐरावत जो है हाथी के रूप में गज के रूप में प्रकटित हुई थी श्री महालक्ष्मी के साथ। एक प्रकार से सहोदर है कि ऐरावत हाथी, वो जो है उसी रूप में गज वाहन भी श्री महालक्ष्मी को जो है अत्यंत प्रिय वाहन जो है इसलिए बन गया है। श्री महालक्ष्मी की कई शक्तियां हैं। श्री महाविष्णु ने जितने सारे अवतार लिए उन अवतारों के समय श्री महालक्ष्मी ने भी उनके साथ साथ दिया। अवतरित होकर जो है दुष्ट संहार में श्री महाविष्णु की सहायता की है। लेकिन एक विशिष्ट अवतार है श्री वेंकटेश्वर भगवान का अवतार। इस अवतार में श्री महाविष्णु ने किसी दुष्ट या राक्षस का संहार नहीं किया, बल्कि कलयुग में जितने सारे दुष्ट शक्तियाँ हैं मनुष्य के मन में रहने वाली दुष्ट शक्तियों के संहार के लिए स्वामी धरती पर पधारे हैं। वो श्री महाविष्णु के साक्षात रूपी हैं। उस श्री महाविष्णु के श्री वेंकटेश्वर भगवान के वक्षस्थल पर वास करते हुए श्री महालक्ष्मी यहाँ पर श्री पद्मावती के रूप में हमें पुण्य दर्शन जो है दे रही है। श्री वेंकटेश्वर स्तोत्र में एक स्तोत्र है, कमला कुच कुच कुंकुम तो नियतारुणिता तुल नीलतनो कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते। उस शैलपति श्री वेंकटाचल पर जो है बसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी के हृदयेश्वरी के रूप में जो है जो वीर लक्ष्मी के रूप में उद्भूत श्री पद्मावती माई है। ये जो देखिए हाथी, जो धैर्य के लिए मैंने प्रतीक बताया कि बल के लिए प्रतीक बताया, और उस रूप में कि शरणागति के रूप में श्रीमद्भागवत में एक ऐसा प्रसंग है गजेंद्र ने जब पुकारा श्रीमन नारायण को अपनी रक्षा करने के लिए कि उस रूप में भी हाथी जो है हमें प्राप्त होता है। ऐरावत शक्ति महान शक्ति है। इंद्र भगवान के वाहन के रूप में ऐरावत को हम देखते हैं। ऐरावत धवल कांति से सफ़ेद वर्ण में रहने वाले वो हाथी कि सभी राक्षसों के संहार के लिए काफ़ी सेवा इंद्र की उस हाथी ने की है। उस हाथी को ही आज जो है ऐश्वर्य के रूप में लक्ष्मी ऐश्वर्य प्रदाता है, ऐश्वर्य को देने वाली है। अष्ट लक्ष्मियाँ, 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ जो मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ प्रदान करने वाली जो ये 5 शक्तियाँ और 6 गुण जो है श्री महालक्ष्मी के माने जाते हैं कि उसी रूप में देवी भागवत में श्री महालक्ष्मी को लेकर 9 प्रकार के अवतारों का उल्लेख किया गया है कि भ्रामरी से लेकर श्री महादुर्गा तक जो है कई रूपों में जो है ये जो श्री महालक्ष्मी हमें दिखाई पड़ती है। ये हमारे धर्म की विशेषता है कि प्रकृति की पूजा करना, प्रकृति में जितने सारे प्राणी हैं और जड़ चेतन सभी की पूजा करना, जितने सारे हमारी देवी देवताएं हैं उन सबके वाहनों को एक बार आप देखिए, सभी वाहन प्रकृति के अंग है।
कि हमारा धर्म जो है, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में प्रकृति को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। जितने सारे सृष्टि के जितने सारे प्राणी हैं उन सबको समान मानते हुए सब में ईश्वर बसा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ ईश्वर है, जहाँ देखो वहाँ परमात्मा है। उस परमात्मा के रूप में भी और पुरुष और स्त्रीत्व दोनों को मिलाकर देखने की परंपरा हिंदू धर्म में है। माई आज श्री वेंकटेश्वर भगवान की मुद्रा में हमें पुण्य दर्शन दे रही है। माँ के गले में श्री लक्ष्मी हार है। देखिए भक्तजनों, ये आप निहारिए कि वो माई वेंकटेश्वर भी है, वो माई पद्मावती भी है।
नमो वेंकटेशाय, ओम श्री पद्मावती नमः की कार्तिक ब्रह्मोत्सव में पुनः आपका स्वागत करता हूँ। भक्तजनों, देखिए पद्मावती माई गज वाहन पर आरूढ़ होकर तिरुचानूर की तिरुमाड़ वीदियों में शोभा यात्रा में जो है आगे बढ़ रही है कि कलाकार की तन्मयता के साथ जो है अपनी कला को दिखाते भक्ति में लीन होकर तन्मय होकर नाचगान जो है कर रहे हैं, मंगल वाद्य जो है बजा रहे हैं। देखिए तेलुगु के कवियों ने श्री वेंकटेश्वर भगवान के साथ साथ श्री वेंकटेश्वर भगवान की देवेरी श्री पद्मावती जी की कई प्रकार से जो है प्रशंसा करते हुए कीर्तन गाया है। अन्नमाचार्य ने कि माई पद्मावती के शरण में जाकर पद्मावती की कृपा पाकर जो है वास्तव में श्री वेंकटेश्वर के भक्त बने हैं कि अन्नमाचार्य के चरित्र को पढ़ने से ये स्पष्ट होता है, जब वो पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते बेहोश हो गए थे उस समय माई स्वयं जो है वहाँ पधार कर कि अन्नमाचार्य की सहायता की थी। वो माई जो है शरणागत वत्सल है, मातृमूर्ति है, ममता का जो है ऐसा सागर है कि सभी संतान को जितने सारी पूरी सृष्टि है, पूरी सृष्टि ही उस माँ की संतान है। अपनी संतान की रक्षा करना, अपनी संतान की देखभाल करना, हर कोई भक्त अपना दुकड़ा लेकर अपने कष्ट लेकर सबसे पहले माई के पास जाते हैं, माई के द्वारा श्री वेंकटेश्वर भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उस अन्नमाचार्य ने जी श्री पद्मावती के एक कीर्तन इस रूप में गाया है, परमात्मुडैन हरि पट्ट पुराणि विनीवु धर्मम्मु विचारिंच तगुनीकु अम्मा। तेलुगु में अम्मा का मतलब है माई, माता। परमात्मुडैन हरि पट्ट पुराणि विनीवु, वो परमात्मा जो है वास्तव में परमात्मा श्री वेंकटेश्वर भगवान है, जो साक्षात श्रीमन नारायण है, उसके पट रानी है आप। ये देवी, ये माई, ये पद्मावती, तुम श्री वेंकटेश्वर भगवान की माई है, देवेरी है। धर मम विचारिंचा तगुनी को अम्मा, धर यानी धरती पर, धरती में हम कई प्रकार के दुख, कई प्रकार के कष्टों से हम जो है यहाँ पर जीवन बिता रहे हैं। माई एक बार श्री वेंकटेश्वर भगवान को ये बताइए, कमलाजु गन्न तल्ली, कामुनि कन्न तल्ली, अमरुल कन्न तल्ली, आदि महालक्ष्मी। ये पूरी सृष्टि आपकी संतान है, देवता आपकी संतान है, कमल आपकी संतान है। कमल यहाँ पर देखना चाहिए कि ये कमल संभुआ है, पद्म संभुआ है श्री महालक्ष्मी। हिंदी के महाकवि तुलसीदास ने श्री रामचंद्र का उल्लेख करते हुए, नव कंज लोचन कंज मुख नव कंजारुनम श्री रामचंद्र कृपालु भज भय भवहारिणम। श्री रामचंद्र के प्रत्येक अंगांग को कमल जैसा तुलसीदास ने वर्णन किया, उसी रूप में पद्म से विकसित होने वाले, पद्मों से जो है उद्भूत होने वाली माई श्री पद्मावती है। पद्मावती के कर चरण आदि सभी कमल के समान है। कमल वर्णन जो है तुलसीदास ने जिस रूप में किया, लगभग तेलुगु के कवियों ने भी उसी रूप में, खासकर अन्नमाचार्य ने, तरिगुंड वेंगमाम्बा ने माई पद्मावती का उसी रूप में वर्णन किया है। इस रूप में हम देखते हैं माई ये पद्मावती बहुत ही सुंदर हैं और सदा श्री वेंकटेश्वर के हृदय कमल पर बसने वाली माई है। वो माई आज गज वाहन पर आरूढ़ होकर जो है हमें पुण्य दर्शन दे रही है। मैंने बताया गज जो है किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य का प्रतीक है। श्री महालक्ष्मी भी ऐश्वर्य देने वाली है। ये ऐश्वर्य लौकिक है, अलौकिक है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का एक अर्थ ये भी है कि शक्ति, कई प्रकार की शक्तियाँ की मानव को प्राप्त होती है महालक्ष्मी की कृपा से। वो शक्ति धन के रूप में, वो शक्ति धैर्य के रूप में, वो शक्ति साहस के रूप में,
वो शक्ति की कृपा के रूप में, दया के रूप में, ममता के रूप में कई प्रकार की शक्तियाँ श्री महालक्ष्मी के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होती है, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ श्री महालक्ष्मी की देन है। वो माँ की जितने सारे देव हैं उन सबकी जो है शक्तियों के रूप में हमें प्राप्त होती है। शिव की शक्ति पार्वती है, ब्रह्म की शक्ति सरस्वती माँ है, उस रूप में श्रीमन्नारायण की शक्ति श्री लक्ष्मी माँ है। शक्ति और शक्ति का आश्रय लेकर जो है श्री महालक्ष्मी हमें प्राप्त होती है। कि वैखानस आगम में वैष्णव संप्रदाय में सबसे बड़े जो है महत्व का विषय है शरणागति। शरणागति मनुष्य के धर्म में भगवान को प्राप्त करने का एक सुदीर्घ और सरल मार्ग है। अनेक प्रकार के अवस्थाओं को प्राप्त कर पार करके मनुष्य जो है शरणागति को प्राप्त करता है। ये श्रीमद् भागवत में श्री व्यास महर्षि ने और जितने सारे भागवत को अपनी अपनी भाषाओं में रचने वाले सारे भारतीय कवियों ने उस गजेंद्र मोक्ष का जो है उल्लेख किया है, उस प्रसंग को भक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है। भक्ति का चरमोत्कर्ष रूप जो है मोक्ष को प्राप्त करना, वो मोक्ष जो है भक्त को सिर्फ शरणागति के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगर मोक्ष चाहिए कि शरणागत होना है, शरणागत होने के लिए एकमात्र देव इस जो है भूमंडल में वो श्री महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर है। एक श्लोक ऐसा है कि अन्य देव जो है इस धरती पर कोई नहीं है जो शरणागत वत्सल श्री वेंकटेश्वर भगवान देते हैं। कलयुग के देव के रूप में, कलयुग में जितने सारे भक्तजन हैं उनमें जितनी सारी राक्षसी शक्तियां हैं, उन दुष्ट शक्तियां हैं, उन सारी दुष्ट शक्तियों को दूर करके मोक्ष प्रदान करने वाले जो है जो एकमात्र देव है श्री वेंकटेश्वर भगवान। श्री वेंकटेश्वर भगवान के हृदय पर हमेशा रहने वाली व्यूह लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी के रूप में पूजित होने वाली श्री महालक्ष्मी ही वो श्री पद्मावती है। आज आप देख रहे हैं ये जो है शरणागति की जो है पांच मुख्य अवस्थाएं हैं। उस पांचों अवस्थाओं को पार करके कोई श्री पद्मावती प्राणनाथाय नमः। प्रिय भक्तजनों, पद्मावती के कार्तिक ब्रह्मोत्सव में आप देख रहे हैं यहाँ तरह तरह के वाद्य, उनसे भक्त विविध प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते हा हा लक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञी सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आप देखिए वहाँ अष्टलक्ष्मियों का दर्शन हो रहा है। यहाँ आठ प्रकार के लक्ष्मी हैं भक्तजनों। वैसे मूल रूप में माताजी एक ही हैं, लेकिन विभिन्न प्रकारों से, विभिन्न प्रार्थनाओं से उन्हें आठ रूपों में भक्त उनकी प्रार्थना करते हैं। अब देखिए यहाँ गज पर आरूढ़ होकर माताजी हमें दर्शन दे रही हैं। द्वादश आलवार संतों में तुंडरपड़ी आलवार, जिसको भक्तांघ्री रेणु कहते हैं, विप्र नारायण भी कहते हैं, उन्होंने एक जगह बहुत ही सुंदर इससे संबंधित एक वर्णन किया था। ओम नमो पद्मावते नमः। తిరుచానూరులో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు 4వ తారీఖు నుంచి ప్రారంభించబడ్డాయి. ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం అమ్మవారు వివిధ రకాల వాహనాల్లో భక్తులకి మాడవీధుల్లో దర్శనమిస్తున్నారు. ఆ క్రమంలో ఈ రోజున ఈ సాయంత్రం పూట గజవాహనంలో అమ్మవారు అధిరోహించి మాడవీధుల్లో భక్తులకి అందరికి దర్శనమిస్తున్నారు. భక్తులందరూ కూడా గజవాహనాన్ని అధిరోహించిన అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలనేటువంటి ఆతృతతో ఉంటారు.
वेला मंद भक्त मड़ विधु अंदर तिरुमल तिरुपति देवस्था की सहकल मनवीना हारतल वाला ओपिक क्यू लाइन वी हारति इवाली अट्ला सेक्यूरिटी सिबंदी चपे सूचन पाटी ప్రతి ఒక్కరికి హారించేటువంటి అవకాశాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవాలయం కల్పిస్తుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ అట్లాగే ఈ రోజు అమ్మవారు గజవాహనాన్ని అధిరోహించడమే కాకుండా స్వామి వద్ద నుంచి ఈ రోజున కాసుల మాల తీసుకురావడం జరిగింది దాన్ని అలంకరించి ఈ రోజు అమ్మవారు మాడవేదిలో దర్శనం చేస్తున్నారు అట్లాగే రేపు కూడా గరుడ వాహనం ఉంది ఆ సందర్భంగా కూడా ఈ కాసుల మాలను అలంకరించి అమ్మవారి దర్శనాన్ని కల్పించే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం పంచమ తీర్థం రోజు కూడా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయడానికి అన్ని శాఖల వారు సిద్ధం అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఇవే కాకుండా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను తిరుపతిలో వివిధ రకాల వేదికల్లో మంచి మంచి ఆర్టిస్టులందర్ని కూడా ఇన్వైట్ చేసి ఏర్పాటు చేశాం వాటన్నిటిని కూడా చూసి భక్తులు ఆలదిస్తున్నారు ఈ రోజు వాహన విశేషాల గురించి ఈ అర్చకులు ఈ ఆలయంలో పని చేస్తున్నటువంటి అర్చకులు ఉన్నారు బాబుస్వామి గారిని వారిని ఈ సందర్భంగా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను మిత్రులు ఓం శ్రీ పద్మాదిదేవియే నమః పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మకళాయదాక్షి విశ్వప్రియే విశ్వమనోనుకూలే తత్వాద పద్మం మహిసన్నిధత్వ సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి పద్మము నుంచి ఉద్భవించినటువంటి పద్మాదిదేవి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవంలో రంగరంగ వైభవముగా ప్రారంభమై అజో రోజుకు చేరినది ఈరోజు చాలా విశేషమైనటువంటి సుదినము ఎందుకనగా అమ్మవారు విశేషముగా తనకు ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి గజవాహనం మీద ఊరేగింపు చేస్తూ మహారాణి టీవీగా తన యొక్క భక్తులందరికీ కోరిన కోరికలు నెరవేర్చుతూ ఈ యొక్క గజవాహనం మీద ఊరేగింపుచనను ముఖ్యంగా స్వామివారు తన యొక్క పట్టపురానికి కొండ మీద నుంచి విశేషముగా సహస్ర నామములు కలిగినటువంటి అమ్మవారి స్వామివారి యొక్క తను వేసుకున్నటువంటి కాసుమాలను తన యొక్క ప్రీతిపాత్రమైన పట్టపురానికి కాసుమాలను పంపించి ఈ యొక్క గజవాహనం మీద ఊరేగింపు చూస్తూ అందులో స్వామివారిని తన యొక్క తన స్వామివారిని అమ్మవారిని చూసినటువంటి అనుభూతి ప్రజలందరికీ కలిగినట్టుగా అమ్మవారు ఆశీర్వాదం చేస్తూ ఉంది కావున ముఖ్యముగా ఈ యొక్క గజవాహనములందు అమ్మవారిని చూసినలా పునర్జన్మ అంటూ లేకుండా అమ్మవారు యొక్క అమ్మవారు ఆశీర్వాదం చేయను కావున భక్తులందరూ కూడా చూడనటువంటి ఈ యొక్క శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా చూసి అమ్మవారిని లేసమాత్రమైన స్మరించి అమ్మవారి యొక్క కృపకు పాత్రులగండి ఓం శ్రీ పద్మాదిదేవియే నమః కమలాసన సౌభాగ్యము కలికితనంబులు సొబగులు ప్రమదంబులు నింతంతని పలుకంగారాదు కమలాసన సౌభాగ్యము కలికితనంబులు సొబగులు
मोक्ष प्रदान निपुणायै नमः। प्रिय भक्तजनों, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। एक छोटी लड़की यहाँ एक अद्भुत नृत्य समर्पित कर रही है और जिसके पीछे भक्ति भावना है। साधारणतः हमें शंका होती है कि गज से लक्ष्मी जी का क्या संबंध है, उनको क्यों प्रिय है। गज का लक्ष्मी जी से संबंध यह है कि जब क्षीर सागर का मंथन हुआ था, तब जो अनेक मूल्यवान वस्तुएं बाहर आई थी उनमें गज भी एक था। मतलब ये हाथी भी उसी समय बाहर निकला था। प्रिय भक्तजनों, लक्ष्मी माता के साथ साथ गज भी उसमें से प्रकट हुआ था। यही एक कारण है कि लक्ष्मी जी को गज पसंद है। इतना ही नहीं, अभिषेक यानी वे एक नहीं दो दो हाथी आकर पवित्र जल से माता लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं। मतलब उनका पवित्र स्नान करा रहे हैं। और आप जो देख रहे हैं यहाँ, इसके पहले महालक्ष्मियों के 8 स्वरूपों को हमने देखा था। जैसा कि मैंने कहा था, लक्ष्मी मूलतः एक ही तो है, लेकिन अलग अलग संदर्भों में यानी विशेष संदर्भों में विशेष नाम से संबोधित किया जाता है। अष्टलक्ष्मी स्तोत्र आपने सुना होगा, इसमें पहले आदि लक्ष्मी के बारे में कहा गया है। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये मुनिगण मंडित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकजवासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी सदपालय माम। धन्य लक्ष्मी। अयि कलि कल्मष नाशिनि कामिन वैदिक रूपिणि वेदमये क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणि मंत्र निवासिनि मंत्रनुते मंगलदायिनि अंबुजवासिनि देवगणश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्य लक्ष्मी सदपालय माम। त्रिचानूर में अलरमेल मंगा के नाम से जो यहाँ प्रकट हुई हैं, वे स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप ही हैं, महालक्ष्मी ही हैं। लक्ष्मी से वे भिन्न नहीं हैं। प्रिय भक्तजनों, उसी को पद्मावती कहते हैं। और लक्ष्मी अलग अलग संदर्भ, जैसा कहा गया है, देखिए उनके कंठ में गले में जो हार है बहुत ही मूल्यवान है। भगवान बालाजी ने इसको वहाँ से बड़े प्यार से उनको भेजा था। यह हार बहुत पुराना है और इसको पहनने से उस हार की शोभा बढ़ गई है। वैसे तो लक्ष्मी माता के कंठ में विराजमान माला अपने आप में बहुत ही बेजोड़ है, बहुत मूल्यवान है। फिर भी इस माला की महिमा, माला का मूल्य माता जी के गले में रहने से और अधिक बढ़ गया है। और देखिए गजलक्ष्मी का वर्णन किस प्रकार किया गया है। जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्वफल प्रद शास्त्रमये रथ गज तुरग पदादि लोकनुते परिजन पंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजलक्ष्मी सदपालय माम। संतान लक्ष्मी इनका दूसरा रूप है। अयि खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी राग विवर्धिनी ज्ञानमये गुणगण वारधि लोक हितैषिणी स्वर सप्त भूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयिते।